Myself, Anil Kumar. I am senior physics faculty. मैं 15 साल से लगभग 4 इंडिया के रिपोर्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाया हूँ और इसके साथ मुझे कुछ एक्सपीरियंस और कुछ टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टेक्निक है द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक्स पे IIT में हर साल, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं और ऐसे इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट KVL KCL से भी कर सकते हैं, बट वो काफ़ी लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है और जल्दबाजी में मिस्टेक भी होता है। तो टाइम को ख्याल रखें और क्विक सॉल्यूशन कर लें, एक्यूरेट करेक्ट सॉल्यूशन करें, तो इसके लिए हमें इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टेक्निक का आपको बता दूँ और एक्सप्लेन भी कर दूँ कि क्या है और इसके कैसे कैसे हम लोग एडवांटेज लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स। रियल सेल्स मीन्स ऐसा सेल जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो n पैरेलल सेल्स लेते हैं और उनको ऐसे पैरेलल अरेंज करते हैं। सेल फर्स्ट, इसका EMF एक्साइबल है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इसके साथ पैरेलल दूसरा सेल है, इसका EMF Xi2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तीसरा सेल Xi3 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3। और ऐसे करते हुए n सेल्स हैं। nth सेल, nth सेल का EMF Xin और इंटरनल रेजिस्टेंस आए। तो ऐसे n सेल्स आपस में पैरेलल अरेंज हैं, इनके टर्मिनल सारे एक कॉमन पोटेंशियल पे है, एक कॉमन वायर से कनेक्टेड है, ये भी एक कॉमन वायर से कनेक्टेड है। तो ये सारे सेल का एक पोटेंशियल है और इसका दूसरे एंड का दूसरा पोटेंशियल है। अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूं और इस पॉइंट को B मान लूं, तो ये पॉइंट A और पॉइंट बी, पॉइंट ए का सारे सेल के एक टर्मिनल है जिसका कॉमन पोटेंशियल होगा बी ए, और सारे दूसरे सेल के दूसरे टर्मिनल, जितने भी सेल हैं उनके दूसरे टर्मिनल्स हैं, इनका कॉमन पोटेंशियल होगा और उस पोटेंशियल को मान लो बी बी। तो यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी ए माइनस बी बी। इस रास्ते से भी बी ए माइनस बी बी मिलेगा, इस रास्ते से भी बी ए माइनस बी बी। इट मीन्स किसी भी पाथ से ए से बी की तरफ मैं अगर जाता हूं तो हर केस में पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी एक ही होगा। तो इनका इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल मीन्स सारे सेल को हम रिप्लेस कर दें और उसके बदले में एक सिंगल सेल लगा दें इन्हीं दोनों पॉइंट के क्रॉस, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो इसका जो EMF होगा वो Xi0 और इंटरनल रेजिस्टेंस R0। तो Xi0 और R0 का वैल्यू इसमें KVL KCL लूप लॉ से और पॉइंट लॉ से हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। तो Xi0, इसके इक्विवेलेंट सेल का EMF, वो Xi1 बाई R1 प्लस Xi2 बाई R2, Xin बाई Rn डिवाइडेड बाई 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई Rn, ऐसा होता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट सेल का, वो अगर R0 है तो 1 बाई R0 इज इक्वल टू
1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by R2. तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला है और ईएमएफ के लिए ये फार्मूला है। तो अगर ये ओपन सर्किट है, इधर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है इस सेल से, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB जो कि इसके EMF के इक्वल हो जाएगा, जो इतने के इक्वल हो जाएगा। इस टेक्निक का हम लोग यूज करेंगे और इससे फाइंड करते हैं। तो IIT में डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सो वन बाय वन हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो 1997 में आया है, 5 मार्क्स का। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है ए और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है आर टू, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है R1, इसके साथ एक सेल अरेंज है, इसके साथ भी एक सेल अरेंज है ऐसा, और इसका EMF है V2, इसका EMF है V1 और ये वाला पॉइंट है B। ये क्वेश्चन है जो फिगर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसमें पूछा ही यही गया है कि इस फिगर को देखिए और बताइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज इंटरनल रेजिस्टेंस विद पोलैरिटीज एज शोन इन फिगर होगी। थोड़ा सा इनका पोलैरिटी ऐसा है, इस सेल का पोलैरिटी नेगेटिव टर्मिनल ए की तरफ है और पॉजिटिव टर्मिनल बी की तरफ है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए के साइड है और नेगेटिव टर्मिनल बी के साइड है। तो इसका इक्विवेलेंट सेल का यही क्वेश्चन ही पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, इस फिगर के अकॉर्डिंग इसका ईएमएफ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ बताना है। फाइंड द ईएमएफ वी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर ऑफ सिंगल बैटरी। इसका ईएमएफ क्या होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं इस जो भी फार्मूला बताया था उस फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्साई का वैल्यू फाइंड करूं, एक्साई नॉट का वैल्यू फाइंड करूं, तो इस सेल का ईएमएफ यहां नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से ये माइनस वी टू डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस आर टू, इसका प्लस V1 डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करें, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यही आंसर है। और इनका इक्विवेलेंट सेल का रेजिस्टेंस जो है R0, तो R0 की वैल्यू फाइंड करें, 1 बाई R0 इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। रेजिस्टेंस के लिए कोई पोलैरिटी नहीं होता है, रेजिस्टेंस डाइपोलर होते हैं, इनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इसलिए ये दोनों वैल्यू प्लस में होंगे। सेल के लिए हमें प्लस और माइनस का कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ए के साइड अगर हम पहले लिखे हैं यहाँ पर VA - VB, तो ए के साइड अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव देंगे, यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए के साइड में है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे V1 का रेजिस्टेंस के लिए। तो ऐसे हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आईआईटी जेई 1997 में, आईआईटी जेई इस क्वेश्चन के लिए।
मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जो ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे है, सेम फॉर्मूला पे है और वो आया है 2011 आईआईटी जे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक्सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसा। फर्स्ट सेल का ईएमएफ है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 वोल्ट। ये जो दूसरा सेल है इसका ईएमएफ है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 वोल्ट। और ये जो पॉइंट है ऐसा फिगर बना हुआ आया था क्वेश्चन में। और जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, द वोल्टेज अक्रॉस ए बी इन वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस ए बी इन वोल्ट इज, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो ये पॉइंट ए और बी के बीच में क्वेश्चन पूछा है, वी ए माइनस वी बी क्या होगा वोल्ट में ये बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। ओके, तो जैसा कि इसका इक्विवेलेंट सेल का फार्मूला है, इन दोनों सेल को हम रिप्लेस कर रहे हैं सिंगल सेल से, एक्साइन आर नॉट पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू एक्साइन नॉट इज इक्वल टू इन दोनों का इक्विवेलेंट सेट, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट सेट। 6 इसका ईएमएफ और इसका पॉजिटिव पोलैरिटी लेफ्ट की ओर ए के साइड में है, प्लस 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम। सिमिलरली सेकंड सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल ए के साइड में है, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2। तो इनके कैलकुलेशन करते हैं, ये आता है 6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 वोल्ट, अल्टीमेट 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5 वोल्ट, दैट इज 5 वोल्ट। क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर 5 वोल्ट है, बट यहां पर हमें आंसर करना है दिस इज 5 वोल्ट वोल्ट, बट आंसर इंटीजर में लिखना है इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, सो इट्स आंसर इज ओनली 5। ओके, तो ये जो टेक्निक्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है, फार्मूला पुट किया और ये सीधा एक स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया। ओके, कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया है 1981, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे 1981 और इसके मार्क्स थे 6 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर है, कई सारे चीज पूछे गए हैं, तो पहले मैं फिगर आपके सामने रख रहा हूं और फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रख रहा हूं। तो फिगर कुछ इस ढंग से है, एक पॉइंट है ए, यहां से एक रेजिस्टेंस है आर और यहां से एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस और यहां पर एक सेल लगा हुआ है, यहां भी एक सेल लगा हुआ है और यहां भी एक सेल लगा हुआ है। ये पॉइंट है बी, रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं आर वन आर टू आर थ्री ई वन ई टू ई थ्री, ये फिगर है, फिगर में इतना इंफॉर्मेशन है, फिगर के अलावे
एवल, एवल का वैल्यू भी दिया हुआ है 3 वोल्ट, E2 का वैल्यू 2 वोल्ट और E3 का वैल्यू 1 वोल्ट और जितने भी रेजिस्टेंस हैं सारे का इक्वल वैल्यू है R is equal to R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 1 वोल्ट। ये फिगर में इंफॉर्मेशन है ये सारे। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है दो पार्ट में क्वेश्चन है पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट ए में पूछा गया है जो पूछा गया है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और हर ब्रांच में इसमें 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 करंट क्या होंगे। इट मीन्स वी ए माइनस वी बी क्या होगा ये पूछ रहा है और इस ब्रांच में करंट क्या है, इसमें करंट क्या है, इसमें करंट क्या है। अगर मैं मान लूं कि इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है और इसमें I3 फ्लो कर रहा है। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं I1, I2, I3 तो ये भी पूछा है कि हर ब्रांच में करंट क्या है, I1 क्या है, I2 क्या है और I3। इन तीनों का वैल्यू भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना होगा, सब कुछ बताना होगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज डिस्कस कर लूं, यहां पर जो भी करंट फ्लो करेगा वो इस लूप में करंट फ्लो करेगा और इस लूप में करंट फ्लो करेगा। यहां से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि आगे ओपन सर्किट है। इधर से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इधर भी ओपन सर्किट है। तो अगर मैं इस नोड का पोटेंशियल इसे नाम दे दूं ए डैश, तो कोई करंट नहीं है, इसमें करंट 0 है। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो इट मींस VA और PA डैश दोनों इक्वल होंगे। VA इज इक्वल टू PA डैश। ओके, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट की तरफ देखें तो ये 3 रेजिस्टेंस है, 3 पैरेलल सेल हैं, तो इसको एक मान सकते हैं वन रियल सेल, सेकंड रियल सेल, थर्ड रियल सेल। और उसी फार्मूला का मैं यूज कर लूं तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से उस टेक्निक का यूज करके फाइंड करूंगा। सो वी ए डैश माइनस वी बी इज इक्वल टू एक्साई नॉट और एक्साई नॉट के लिए वो फार्मूला लिख लेंगे और वो फार्मूला होगा इसका सेल का ईएमएफ और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो। दैट इज सेल का ईएमएफ है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 1 ओम, सो 3/1। सेकेंड सेल के लिए इसका वोल्ट है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 1, सो 2/1 प्लस 1/1 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो ये एक्साई नोड का वैल्यू आ रहा है 6/3 दैट इज 2 वोल्ट। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज 2 आया, जिससे ये क्लियर हो रहा है VA माइनस VB, VA दोनों इक्वल है। तो हम लोग आंसर पहले का आंसर कर लें, ये आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा 2 वोल्ट। सो फर्स्ट आंसर इज 2 वोल्ट। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट, इन सारे ब्रांच से करंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं मिडिल वाले ब्रांच से करंट, मिडिल वाले ब्रांच में ए डैश और बी के बीच में टोटल वोल्टेज ड्रॉप है 2 वोल्ट और सेल अकेला वोल्टेज ड्रॉप दे रहा है 2 वोल्ट। इट मींस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है। तो 0 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं होगा, तो हमारा यहां पर I2 का वैल्यू 0 आ रहा है। ओके, सिमिलरली अपर ब्रांच से देख रहे हैं तो इसमें सेल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, लेफ्ट से राइट जाने पे ड्रॉप हो रहा है 3 वोल्ट, इसका ईएमएफ है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का ड्रॉप है और यहां से यहां का टोटल ड्रॉप है 2 वोल्ट का। तो ये तभी संभव है जब इस वाले ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप नहीं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज गेन हो रहा है जब मैं ए से ए डैश से बी डैश की तरफ जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट।
तो वोल्टेज गेन होने के लिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। तो यहां से यहां का वोल्टेज गेन होगा 1, यहां से वोल्टेज ड्रॉप होगा 3, तो यहां से यहां का टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2, जो कि इसके साथ मैच करेगा। अल्टीमेटली इनके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस भी है 1 वोल्ट, तो इससे करंट होगा 1/1, दैट इज 1 एम्पीयर। डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली थर्ड ब्रांच में अगर मैं करंट देखूं, तो फ्रॉम केसीएल करंट लॉ के अकॉर्डिंग, पॉइंट्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो करंट यहां आ रहा है ना, इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो वो सारा करंट इधर चला जाएगा। तो इस ब्रांच में करंट 1 एम्पीयर का होगा टुवर्ड्स राइट, या हम लोग इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी फाइंड करें, तो यहां से यहां का टोटल ड्रॉप 2 वोल्ट और इसके अक्रॉस ड्रॉप है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा, 1 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 ओम, तो यहां पर करंट आ जाएगा 1/1, 1 एम्पीयर, बट इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट। तो पार्ट ए में यही तीन चार चीज पूछा गया था, तीनों करंट और वोल्टेज, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से छोटे कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन के बेसिस पे ये सारे हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। ये आंसर है पार्ट बी, उसे मैं क्वेश्चन को आपके सामने रख दूं कि पार्ट बी में क्या पूछा है। पार्ट बी में पूछा है इफ आर टू इज शॉर्ट सर्किटेड, ये वाला को शॉर्ट कर दिया है, एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। शॉर्ट करने का मतलब दोनों को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, इन दोनों का वोल्टेज जीरो हो जाए। एंड ए इज कनेक्टेड टू बी, इस पॉइंट ए को बी के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। ए इज कनेक्टेड विथ बी, फाइंड द करंट थ्रू E1, E2, E3 एंड रेजिस्टर R। तब ऐसे कनेक्ट करने के बाद में इसमें करंट कितना, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इससे कितना फ्लो हो रहा है, इससे कितना फ्लो हो रहा है, और इस R से कितना फ्लो हो रहा है, ये चारों करंट को पूछ रहा है। ओके, तो इस फिगर को अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करें तो कुछ इस ढंग का बन जाएगा फिगर। सबसे पहले मैं इसको अलग से कनेक्ट करता हूँ। R1 सेल, E1 जो कि 3 वोल्ट का है, और ये करंट है A', और ये है B। R2 को शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट मींस अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जीरो, ये जीरो रेजिस्टेंस और ये R1 ओम रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल हो गए जीरो। तो यहां से यहां के बीच में एक्सेल 2 वोल्ट का, और तीसरा पाथ यहां पर जा रहा है R3, और यहां पर एक्सेल लगा हुआ है 1 वोल्ट। और ए और बी अगर मैं यहां से देखूं, यहां से ऐसे, तो कुछ इस ढंग से ये चौथा पैरेलल पाथ बन रहा है, ये भी 1 ओम 1 ओम। इस ढंग से 1 2 3 4 चार पैरेलल पाथ बन रहे हैं, बट A' और B' के बीच में ऑलरेडी वोल्टेज है 2 वोल्ट और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसको इस पाथ से इस पाथ तक जाते हैं, तो एकदम क्लियर है VA' - VB = 2 वोल्ट। तो अगर इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा, और इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट इधर से इधर ड्रॉप हो रहा होगा। तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस रेजिस्टेंस से, चौथा पैरेलल पाथ से, वो होगा 2 वोल्ट का ड्रॉप है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इट इज 2 एम्पीयर लेफ्ट टू राइट। बट इस
फिगर में देखें तो 2 एम्पियर का करंट ए डैश से ए की तरफ या ऊपर वाले पाथ से 2 एम्पियर का करंट यहां से 2 एम्पियर का करंट ओके। फिर यहां पर देखें तो ये तो सेम चीज है, 2 वोल्ट है, यहां पर 1 एम्पियर 1 ओम का करंट रेजिस्टेंस है और 3 वोल्ट का ड्रॉप है, टोटल 2 वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए और यहां पर गेन होना चाहिए करंट का, सिमिलरली वैसा ही हो जाएगा, यहां पर 1 वोल्ट का गेन 3 वोल्ट का ड्रॉप टोटल ड्रॉप 2 वोल्ट सो दैट इज 1 एम्पियर का करंट राइट टू लेफ्ट दैट इज बी टू ए और बी टू ए डैश। इसमें जो करंट होगा बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है, यहां टोटल 2 वोल्ट का ड्रॉप है और यहां 1 वोल्ट का ड्रॉप है तो यहां भी 1 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो इससे करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होगा और 1 एम्पीयर का करंट जा रहा होगा। तो यहां भी 1 एम्पीयर का करंट जा रहा है, यहां भी 1 एम्पीयर का करंट आ रहा है और यहां पर 2 एम्पीयर का करंट इधर जा रहा है। तो इस टोटल पाथ से इधर की तरफ देख रहे हैं 2 एम्पीयर का करंट 3 एम्पीयर का करंट जा रहा है और इधर से आ रहा है 1 एम्पीयर का करंट। तो टोटल यहां 3 एम्पीयर 1 3 1 ये आया इधर चला गया तो 2 एम्पीयर का करंट इधर से आएगा। यहां पर अगर हम लोग केसीएल लिखें तो जितने करंट आ रहे हैं उतना ही करंट जा रहे हैं तो यहां पर 2 एम्पीयर का करंट होगा। तो इस बार जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर से रेजिस्टेंस से करंट बताओ तो सेल 1 से E1 से जो करंट फ्लो कर रहा है यहां वो 1 एम्पीयर का है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पीयर का है, दोनों लेफ्ट की ओर है और इन दोनों में दोनों राइट की ओर है 1 एम्पीयर और 2 एम्पीयर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और अगर मैं इसको केवीएल केसीएल से करता हूं तो 1 2 3 कई सारे लूप बन जाएंगे, बहुत सारे अननोन हो जाएंगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ओके। तो कुछ और मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, अब वो क्वेश्चन नंबर है, वो क्वेश्चन आया है 1984 में 1984 में 4 मार्क्स का और वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वेरी सिंपल काफी आसान है और आसानी से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग 84 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं इस टेक्निक का यूज करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 84 का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है और इसके मार्क्स हैं 4 मार्क्स से क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हुआ करता था, इसमें भी फिगर बना है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फिगर ए बी सी डी पॉइंट ए, यहां से एक सेल है, इस सेल का नाम है ई और दूसरा टर्मिनल है इसका बी, यहां से एक और सेल लगा हुआ है, इस सेल का नाम है एच और तीसरा सेल है यहां से जी और इन दोनों के बीच में एक सेल लगा हुआ है, ये इस पॉइंट का नाम है नोड, इस नोड का नाम सी और इस नोड का नाम डी और एक सेल इसके क्रॉस लगा हुआ है एफ, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव टर्मिनल नीचे और ये सेल एफ और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ से ओके और ये 2 ओम भी, ये फिगर है और फिगर के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी है। फिगर के साथ इंफॉर्मेशन है कि जितने भी सेल हैं ई एफ जी एच उनका ईएमएफ है 2, 1, 3 और 1 वोल्ट, इट मींस इस सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और इसका है 1 वोल्ट 1 वोल्ट 3 वोल्ट और फिर से लास्ट में 1 वोल्ट और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस